हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेशन एंड लोकल स्टोरेज को समझने वाले हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो भी हम लोग आज के इस लेक्चर में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, इन सब का काम सिर्फ इतना होता है कि हमारे लोकली ब्राउजर में कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करके रखना। जैसे कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाती है या फिर सेशन स्टोरेज में। और जब कभी भी हम उस वेबसाइट पे दोबारा से रिडायरेक्ट करते हैं तो वो डेटा हमें रिकॉग्नाइज करता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस भी समझेंगे इस लेक्चर में और कोड करके भी समझेंगे क्या होते हैं सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज। सबसे पहले समझते हैं जो सेशन स्टोरेज है वो सिमिलर टू लोकल स्टोरेज है, क्योंकि ये स्टोरेज है और कुछ ना कुछ हमारे लोकली सिस्टम पे डेटा को स्टोर करते हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है, डेटा इन लोकल स्टोरेज डजंट एक्सपायर। जो डेटा मेरे लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया वो कभी भी रिमूव नहीं होता, उसे हम लोग सिर्फ मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं, राइट? और ऑटोमेटिकली वो डिलीट कभी भी नहीं होता है, सिर्फ स्टोर रहता है हमारे ब्राउजर के अंदर। और डेटा इन सेशन स्टोरेज इज क्लियर्ड व्हेन द पेज सेशन एंड्स। और जो सेशन स्टोर होता है वो सिर्फ एक सेशन के लिए वैलिड रहता है, अगर वो सेशन एक्सपायर हो गया तो हमारा जो डेटा स्टोर था वो भी वहां से रिमूव हो जाएगा, और जब तक हम उस पेज पे हैं तब तक वो डेटा हमारे पास रहेगा। इन दोनों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कभी भी हम लोग एक फॉर्म फिल करते हैं, लेट्स सपोज एक वेबसाइट के ऊपर हमें फॉर्म फिल करना है, राइट? और जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम जैसे हमने 4 या 5 टैब में कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करके रख दिया, और दोबारा से मैं उस पेज को क्या कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ, लेकिन हम अभी भी उसी फॉर्म पेज पे हैं, तो जो मैं डेटा फिल कर चुका हूँ तो वो अभी भी उसी पेज पे रहेगा, डेटा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हम अभी उसी सेशन पे हैं, यानी कि उसी फॉर्म फिल वाले सेशन पे स्टक हैं, राइट? और वहीं पे क्या हो कि अगर मैं फॉर्म सेशन से बाहर निकल आऊँ या फिर अब मुझे फॉर्म फिल नहीं करना है और मैं बाहर आता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे या फिर अपनी वेबसाइट पे, तो क्या हुआ, जो डेटा मैंने फिल किया था वो अब हो जाएगा रिमूव। और वो डेटा कब तक रहेगा, जब तक हम उस सेशन पे हैं, फॉर्म भरने वाले फॉर्म फिल वाली स्टेट पे जब तक है तब तक वो हमारा डेटा उस फॉर्म में रहेगा, भले ही हम पेज को रिफ्रेश कर दें या कुछ भी कर दें। लेकिन जो लोकल स्टोरेज है उसमें क्या होता है, हम या तो उस एप्लीकेशन से बाहर निकल के आ जाएं या फिर हम पूरा अपना सिस्टम जो है वो शट डाउन कर दें, तब भी जो डेटा है वो हमारा लोकल स्टोरेज में सेव रहता है और रिमूव नहीं होता है। रिमूव कब होता है, जब हम लोग उसको मैन्युअली रिमूव करते हैं तभी वो रिमूव होगा। और सेशन स्टोरेज में जब तक वो सेशन एक्सपायर हो गया तब हमारा डेटा रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम समझते हैं कि लोकल स्टोरेज में कैसे हम डेटा को सेट कर सकते हैं, कैसे उसमें से डेटा को गेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज के पास जो है वो 4 मेथड्स होते हैं इनबॉक्स को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला होता है सेट आइटम। ये क्या करता है, सिंपल हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा को सेट करता है, और ये सेट आइटम अपने पैरेंथेसिस में एज अ पैरामीटर 2 वैल्यूज लेता है, एक तो होती है इसकी की और सेकेंड होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि जो डेटा है वो इसमें हमेशा की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा। तो सेट आइटम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो भी की वैल्यू पेयर में। गेट आइटम क्या करता है, गेट आइटम जो हमारा डेटा हम लोग सेट कर चुके हैं उसको रिट्रीव करने का काम करता है, जो भी डेटा हमने अपने लोकल स्टोरेज में सेव करके रखा है उस डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, वो करते हैं हम अपने गेट आइटम मेथड से। और ये अपने पैरामीटर में सिर्फ एक की लेता है जो हमने की डेटा को स्टोर करते टाइम सेव की थी, राइट? ये हो गया मेरा गेट आइटम। और रिमूव आइटम क्या करता है, सिंपल एक डेटा को वहां से लोकल स्टोरेज से रिमूव करता है, और ये कौन कर रहा है, डेवलपर कर रहा है, मैनुअली करेगा ये। तो यहाँ पे रिमूव आइटम सिंपल ये भी अपने पैरेंथेसिस में पैरामीटर में एक की लेता है, जो भी हमें डेटा डिलीट करना है उसकी की पास कर दो तो वो डेटा जो है वहां से रिमूव हो जाएगा लोकल स्टोरेज से। और क्लियर मेथड क्या करता है, जितना भी डेटा मेरे लोकल स्टोरेज में सेव है अगर मैंने क्लियर मेथड रन कर दिया तो ऑल सेव्ड डेटा जो है वो वहां से रिमूव हो जाएगा, राइट? तो ये अपने पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लेता है, जस्ट जो भी डेटा है वो वहां से रिमूव कर देगा। अब हम लोग समझते हैं लोकल स्टोरेज कैसे काम करती है ब्राउजर के अंदर और कैसे हम लोग डेटा को इसमें सेव कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ इंस्पेक्ट करके आएंगे। सबसे पहले ओपन करेंगे एप्लीकेशंस, और यहाँ पे हमारी जो लोकल स्टोरेज है वो दिख रही है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज है। और नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो एक सेशन स्टोरेज है, इसको भी अभी समझेंगे फर्दर अपने वीडियो में। तो लोकल स्टोरेज में डेटा है वो की और वैल्यू पेयर में स्टोर होता है यहाँ पे। अब स्टोर कैसे करते हैं, सिंपल हम ओपन करेंगे अपना कॉन्सोल यहाँ से और इसमें टाइप करेंगे सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम।
ये मेथड क्या करता है, सिंपल कुछ ना कुछ डेटा को मेरे सेट करेगा मेरे लोकल स्टोरेज में, और ये जो मेथड है वो अपने पैरेंथेसिस में दो वैल्यूज लेता है। फंक्शन है ये, बोल सकते हैं मेथड और फंक्शन। सबसे पहला की लेगा और दूसरा वैल्यू लेगा। तो हम यहाँ पे अपनी की वैल्यू पास करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैं नेम स्टोर करता हूँ, तो नेम एंड जो नेम की वैल्यू है उसे रखते हैं सिंपल कोई भी नेम, राइट। और यहाँ पे ये मैंने डेटा कर दिया सेव। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेथड को, तो होगा क्या, ये डेटा जो है की वैल्यू पेयर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, यहाँ अनडिफाइंड आ गया, लेकिन जब लोकल स्टोरेज में देखते हैं तो नेम और वैल्यू ये दोनों क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब अगर इसी को हमें क्या करना है, रिट्रीव करना है, देखना है कि लोकल स्टोरेज में क्या सेव है। तो अगर इसी को कॉपी करें लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो यहाँ पे मेथड रन करना होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम क्या करता है, सिंपल जो डेटा मेरा सेव है, ओके, इसको दोबारा से रन करते हैं, तो क्या होगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम सिंपल क्या करेगा, उस डेटा को लेके आएगा जो डेटा स्टोर है। और ये जो मेथड है वो हमेशा सिर्फ एक की लेता है जिस किसी भी डेटा को हमें चाहिए। तो मैं की में पास कर सकता हूँ कोई भी की जो मेरा डेटा स्टोर है। लेट सपोज नेम मुझे यहाँ से रिट्रीव करना है, तो क्या करेंगे, इसी को एंटर करेंगे और देखो मुझे मेरी वैल्यू मिल गई नेम की जो भी है, राइट। तो ये हो गया गेट आइटम का काम। गेट आइटम क्या करता है, सिंपल जो डेटा स्टोर है उसे लेके आएगा और रिट्रीव करेगा, और उसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं अगर हमें डेटा मिल गया तो। और उसके बाद रिमूव आइटम क्या करता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दो तीन और डेटा को स्टोर करके रख देता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसमें स्टोर कर देता हूँ लर्न कोडिंग। लर्न हमारी की रहेगी और वैल्यू में मैं कर देता हूँ कोडिंग। और जब इसको सेव करेंगे तो होगा क्या, ये भी सेव हो जाएगा, देखो लर्न आया और कोडिंग आ गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं की को सेम करके दूसरे डेटा को स्टोर करूँ, लेट्स सपोज मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ये जो पूरा लिखा हुआ है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसमें क्या करना है, हम इसी की के साथ किसी और डेटा को स्टोर करना है, कोडिंग की जगह मैं कर देता हूँ JS JavaScript ये स्टोर करना है, तो होगा क्या, क्या दूसरा यहाँ पे डेटा स्टोर होगा या फिर यही वाला ओवरराइड हो जाएगा। जब इसको रन करते हैं फर्दर, तो देखो क्या हुआ, दूसरा स्टोर ना होके सिंपल लर्न की वाली जो डेटा है उसमें जो वैल्यू है वो वही वाली स्टोर होगी जो मैंने उसके बाद में पास की थी। इट मीन्स इसने ओवरराइड कर दिया इसको। अगर की सेम है तो डेटा अलग है तो उसको क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा सेट आइटम मेथड, ये काम करता है। और अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है लर्न को, तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट कर दूंगा रिमूव आइटम डॉट रिमूव आइटम। रिमूव आइटम क्या लेता है, पैरेंथेसिस में एक की, और की कोई सी भी हो सकती है। लेट्स सपोज मुझे नेम को ही रिमूव करना है, तो मैं नेम को रिमूव कर दूंगा, और जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो यहाँ से नेम जो है वो रिमूव हो चुका है। अगर मैं दोबारा से इसको सेट करना चाहूँ तो क्या करूंगा, इसी को कॉपी करके लाते हैं और दोबारा से इस कोड को कर देंगे रन नीचे, तो हो गया क्या, यहाँ पे देखो परफेक्ट नेम जो है वो मेरा दोबारा से आ गया। अब क्लियर मेथड क्या करता है, क्लियर मेथड सिंपल जितने भी डेटा स्टोर है उसको रिमूव कर देगा। डॉट क्लियर करेंगे जैसे ही हम, क्लियर मेथड कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, तो जस्ट जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो जितना डेटा स्टोर है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये समझ में आ गए मेथड्स, गेट आइटम, सेट आइटम, रिमूव आइटम एंड क्लियर मेथड क्या काम करते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं सेशन स्टोरेज को समझने के लिए। सेशन स्टोरेज में भी क्या होता है, सिंपल इसके पास भी चार मेथड्स हैं। सेशन स्टोरेज हैज फोर मेथड्स, सेट आइटम इसके पास भी है, गेट आइटम भी है, और रिमूव आइटम और क्लियर आइटम। मतलब कि जो भी मेथड मेरे लोकल स्टोरेज के पास है वही मेथड मेरे सेशन स्टोरेज के पास है। तो लोकल स्टोरेज को हम लोग एक्सेस कर रहे थे लोकल स्टोरेज डॉट करके, और सेशन स्टोरेज को हम एक्सेस कर पाएंगे सेशन स्टोरेज डॉट एक्सेस, राइट। सेशन स्टोरेज डॉट, और हम कर सकते हैं गेट आइटम एंड सेट आइटम, हम कुछ भी यहाँ पे फंक्शन या फिर मेथड को रन कर सकते हैं। और ये भी अपने पैरेंथेसिस में की वैल्यू पेयर लेता है, जैसे हमारे लोकल स्टोरेज में काम कर रहा था वैसे ही सेम सेशन स्टोरेज में काम करेगा। तो ये वाले जो ऑपरेशंस हैं वो आप लोग रन कीजिए, और हम लोग फर्दर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें क्या समझना है, डिफरेंसेस। हमने कुकीज़ पढ़ा, हमारे लोकल स्टोरेज में कुकीज़ के थ्रू डेटा सेव होता है, सेशन स्टोरेज में डेटा सेव होता है, लोकल स्टोरेज में डेटा सेव होता है। तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इसके डिफरेंस को भी समझते हैं सिंपल हम लोग। डिफरेंस क्या है एक्चुअल में लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज में, ये तीनों का काम सिर्फ इतना है कि कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करना हमारे लोकली ब्राउजर में। सबसे पहले समझते हैं लोकल स्टोरेज। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ लोकल स्टोरेज इज 5 MB to 10 MB। मतलब कि हम लोग लोकल स्टोरेज में लार्ज डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 10 MB अप्रॉक्स हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
वहीं अगर सेशन स्टोरेज की बात आए तो वहां पे सिर्फ हम लोग 5 MB का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। और कुकीज में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, बहुत ही कम डेटा स्टोर होता है KB के फॉर्म में, यानी कि किलोबाइट, 4 KB अप्रोक्स हम लोग डेटा इसमें सेव करके रख सकते हैं कुकीज के अंदर। और अगर अनदर डिफरेंस देखें तो क्या होता है, एज इट इज नॉट सेशन बेस्ड इट मस्ट बी डिलीटेड वाया जावास्क्रिप्ट और मैनुअली। अब ये सेशन बेस्ड तो है नहीं लोकल स्टोरेज हमारा, इट मींस अगर सेशन भी वहां से चला जाए या फिर हम लोग अपने सिस्टम को शट डाउन करके दोबारा ओपन करें, हमारा डेटा क्या रहेगा वहां पे स्टोर्ड रहेगा, कब तक, जब तक हम उसको मैन्युअली डिलीट ना करें। लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या है, सेशन स्टोरेज में जैसे ही वो सेशन एंड होगा वैसे ही हमारा डेटा वहां से रिमूव हो जाए। वो कब तक रहता है, जब तक हमारे सेशन की ड्यूरेशन है तब तक ही ब्राउजर में वो डेटा अवेलेबल रहेगा। अभी मैंने एग्जांपल से समझा था, फॉर्म जब तक फिल कर रहे हैं तब तक डेटा है, जैसे ही फॉर्म से बाहर निकला है तो जो भी हमने डेटा फॉर्म में फिल किया है फॉर्म को बिना सबमिट किए हुए, तो वो डेटा वहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग लोकल स्टोरेज की बात करते हैं तो भले ही हम कुछ भी करें वो डेटा लोकल स्टोरेज में एक बार सेव हो गया, उसे हम सिर्फ मैनुअली ही डिलीट कर सकते हैं। और कुकीज में क्या होता है, एक्सपायर बेस्ड ऑन द सेटिंग्स एंड वर्किंग पर टैब एंड विंडो। विंडो के सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुकीज में जो डेटा है वो स्टोर भी कर सकते हैं और वहां से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लाइंट कैन रीड एंड राइट लोकल स्टोरेज, जैसे मैंने अभी रीड और राइट किया लोकल स्टोरेज, रीड कर सकते हैं गेट आइटम से और राइट कर सकते हैं सेट आइटम से। इसमें भी क्या है, सेशन स्टोरेज में सेम मेथड एंड फंक्शंस हैं, तो यहां भी रीड एंड राइट कर सकता है क्लाइंट डेटा को। और यहां पे क्या है, कुकीज के अंदर बोथ क्लाइंट्स एंड सर्वर्स कैन रीड एंड राइट द कुकीज। तो कुकीज में क्या होता है, सिंपल क्लाइंट्स एंड सर्वर दोनों रीड भी कर सकते हैं डेटा को और राइट भी कर सकते हैं। और अगर कुकीज को डिटेल में समझना है कैसे कुकीज वर्क करती है हमारे वेब ब्राउजर के अंदर, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखें, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ डेटा टू द सर्वर, यानी कि जो डेटा लोकल स्टोरेज में सेव हो गया उसे सर्वर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही सर्वर से वो इंटरेक्ट करता है, वो सिर्फ हमारे लोकल स्टोरेज वेब ब्राउजर में स्टोर रहता है। और सेम सेशन में भी होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ डेटा टू द सर्वर, यहाँ पे भी सर्वर का कोई काम नहीं है, डेटा हमारे लोकल स्टोरेज में सेव है। लेकिन कुकीज में क्या हो रहा था, क्लाइंट्स एंड सर्वर दोनों मिलकर रीड और राइट कर पा रहे थे, तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर जो है वो सर्वर के पास भी होगा अगर कोई सर्वर एग्जिस्ट करता है उस वेब ब्राउजर या फिर हमारी वेबसाइट का जिसपे हम लोग सर्फिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेज हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।